अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग एंड किया था। आपको पता है, हम आते ही जो बेल बीच पे चले गए थे, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए। तो बीच पे हम लोग ना तकरीबन 10-10:30 बजे तक बैठे रहे। वहाँ से अभी हम लोग होटल पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने अपने रूम की बुकिंग ऑनलाइन करवाई हुई थी booking.com से। आपको पता है आजकल मैं वही यूज़ कर रही हूँ। यकीन करें, बड़ी मज़े की ऐप है, आपको बिल्कुल ख्वार नहीं होना पड़ता। बैठे बिठाए बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको रूम मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो बुकिंग है ना, ये मैंने ईद से पहले की करवाई हुई थी, लेकिन यहाँ आके मैंने कैंसिल कर दी है। अभी आप लोग साथ साथ ये रूम और ये पूरा अपार्टमेंट देखें, साथ साथ मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ कि मैंने वो बुकिंग क्यों कैंसिल की है। दरअसल हमने दो फैमिलीज़ ने आना था, एक हम लोग और एक हमारे साथ और फैमिली थी। तो उस हिसाब से मैंने दो बेडरूम, दो वॉशरूम, एक बड़ा सा सिटिंग एरिया और एक बड़ा सा किचन जो है ना, वो मैंने बुक किया हुआ था। लेकिन उनका जो है ना, वो प्लान कैंसिल हो गया। बस कोई ऐसी प्रॉब्लम बनी कि वो नहीं आ सके। तो हमारी जो बुकिंग है ना, स्टिल वही जा रही थी। जब हम लोग यहाँ आए हैं तो हमने इनसे बात की है कि हमने बुकिंग ऐसे करवाई थी लेकिन हमारे साथ दूसरी फैमिली नहीं आ सकी, तो क्या आप वो कैंसिल करके हमें दूसरा कोई रूम दे सकते हैं जिसमें छोटा सा किचन हो और सिटिंग एरिया, वॉशरूम और एक बेडरूम हो? तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप लोग वो कैंसिल करते हैं, हम आपको दूसरा जो है ना वो अपार्टमेंट दे देते हैं, जो छोटा अपार्टमेंट है आपकी ज़रूरत के हिसाब का। तो फिर हमने वो वाली बुकिंग कैंसिल कर दी थी, उसी होटल में हमने ये वाला फिर अपार्टमेंट ले लिया जो हम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। जैसे आपने अभी देखा है, यहाँ पे छोटा सा किचन भी है, ओवन, फ्रिज, कैटल, हर चीज़ पड़ी हुई है। इसके अलावा सिटिंग एरिया बहुत खूबसूरत है और ये वॉशरूम देखें आप, ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। बॉडी लोशन, शैम्पू और सोप, और इसके अलावा जी पेस्ट, ब्रश, कंघी वगैरह, जो कुछ भी हमें ज़रूरत होती है ना सफ़र पे निकल के घर से, जब हम कहीं दूर जाते हैं तो जो ज़रूरत होती है वो हर चीज़ यहाँ पे है। ये देखें, यहाँ पे वॉशरूम के लिए स्लीपर्स भी हैं। और ये देखें जी, ये वाला है बेडरूम, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा। और आपको पता है, हमें ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह रिलैक्सेशन हो गई, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए कि अगर हम लोग वो बुकिंग ना कैंसिल कर पाते तो हमें फिर डबल ट्रिपल चार्जेस पे करने पड़ने थे, क्योंकि हमने तो वो बुकिंग की हुई थी। तो इस तरह हमें बहुत ज़्यादा सारा जो है ना वो अमाउंट पे करनी पड़ती। तो अगर हमने वो कैंसिल कर दिया तो उससे तकरीबन हाफ से भी कम प्राइस में ना हमें ये सब कुछ मिल गया है, जो हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल इनफ है। हमें माशाल्लाह इससे ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन का हमारा यहाँ पर स्टे है। ये देख सकते हैं आप, ये ड्रेसिंग टेबल है और इसके साथ ही ये देखें जी, ये जाए नमाज पढ़ी हुई है, नमाज पढ़ने के लिए कबर्ड। अभी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हैंगिंग के लिए एरिया है और यहाँ आप अपना बैग रख सकते हैं, शूज़ वगैरह जो कुछ रखना चाहें वो आप आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपने कुछ अपने एक्स्ट्रा कपड़े तय लगा के रखने हैं वो भी, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है जैसे दूसरी साइड पे हैंगिंग के लिए ये पूरा एरिया। तो ये कबर्ड का ना पर्सनली मुझे कलर भी बहुत खूबसूरत लगा था, बहुत प्यारा लगा था मुझे ये रूम। और अभी मैं आपको ना बाकी जो कुछ रह गया वो भी जल्दी से दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर 3 साइड टेबल्स पड़े हुए हैं, साइड पे टेबल्स पड़े हुए हैं। बस मेरा ना काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, मेरी वीडियो एडिट होकर रखी हुई है लेकिन गला इतना ज़्यादा ख़राब था, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, इसीलिए मेरी जो वीडियो है ना वो लेट है। आपको ये काफ़ी दिन बाद मिल रही है, उसके लिए माजरत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा गला ठीक है तो मैं आपसे ना सही तरह बात कर सकती हूँ। ये सामने कर्टन्स लगे हैं, बाहर का व्यू भी आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक के आए थे। और ये देखें, अभी बिलाल के बाबा नाश्ता लेके आए हैं, बच्चे भी उठ गए हैं, और नाश्ते में चाय है, साथ एक दाल वाला सालन है, चने की दाल वाला, और साथ पराठे हैं। और हमारे पास ना मटन का सालन है जो हम घर से बना के लाए हुए हैं ना चीज़ें, वो अभी आपको मैं आगे चल के भी दिखाऊंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम घर से भी ले के आए हुए हैं अपनी खुद से रेडी करके। तो अभी ये सालन मैंने इस ओवन में रख के इसको मैंने गर्म कर लिया है, साथ हम ये यूज़ कर लेंगे। अच्छा, मुझे ना बाहर निकल के ज़्यादा होता है कि दाल और सब्ज़ी यूज़ करने का दिल करता है, मटन चिकन वगैरह मेरा बाहर से खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन इनके बाबा जो है ना वो स्पेशली जो है वो लाजमी मटन वगैरह यूज़ करते हैं, जब भी हों जहाँ भी हों उन्होंने लाजमी लेना होता है। तो इसलिए मैं उनके लिए घर से बना के ले आई थी। अभी आलू कीमा हमारा वहीं पड़ा रह गया है, वो भी हम भूल गए हैं,
खैर अभी हमने नाश्ता कर लिया है। हस्बैंड के कपड़े ये मैंने निकाल के रखे हैं, अपने भी मैंने चेंज कर लिए हैं, बच्चों को भी मैंने फ्रेश कर दिया है। और ये बच्चों के लिए कपड़े मैंने इसलिए निकाल के रखे हैं क्योंकि जब वो बीच से नहा के निकलेंगे उनको एक दफ़ा मैं फ़्रेश कर दूँगी और उसके बाद ये वाले कपड़े पहना दूँगी। मुसना के लिए डायपर वगैरह भी रख दिए मैंने। तो अभी बस मैं जोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, साथ साथ हम खाना भी रेडी करेंगे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो कुछ भी मैं बना के लाई हूँ ना घर से, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बिलाल आपको दिखा रहा है कि ये देखें गाइस, मैंने कार्ड से खुद लॉक ओपन किया है। और यहाँ देखें मुसना के मैंने अभी बाल बना के भेजे थे और मुसना फिर सारे बाल बखेर के आ गई और रो रही है कि आप लोग मुझे रूम पर क्यों लेके आए हो, मुझे तो फ़िश के पास लेके जाना था। और यहाँ देखें मेरा इतना समझदार सलीके वाला बेटा है ना, जैसे ही हमने खाना खाया था टेबल थोड़ा सा मैसी हो गया तो वो क्लीन कर रहा है, कह रहा है मम्मा जहाँ भी हम रहते हैं ना घर की तरह हर चीज़ को ऐसे ही रखना चाहिए जैसे अपने घर को प्यारा रखते हैं। वैसे मैंने इस बात को अपनी ज़िंदगी में आजमाया है कि जो पेरेंट्स करते हैं ना बच्चे वही सीख के करते हैं, जो हम उनसे कहते हैं वो कभी नहीं करेंगे, जो हम खुद करते हैं ना बच्चे वही काम करेंगे। तो खैर अभी यहाँ पे मैं चपली कबाब बना रही थी और आपको पता है ये जो है ना इलेक्ट्रिक स्टोव, इस पर थोड़ा सा पहले टाइम लगता है, जैसे ही ये गर्म हो जाती है ना प्लेट फिर जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। पहला कबाब हमारा काफ़ी लेट बना था लेकिन उसके बाद काफ़ी जल्दी से सारे बन गए थे। अभी मैंने यहाँ पर सारे कबाब बना लिए हैं और चिकन जो है वो भी मैं घर से मैरिनेट करके लेके आई थी। अभी मैं आधा चिकन जो है ना वो रख आई हूँ क्योंकि हमारी दूसरी फैमिली साथ नहीं आई, तो इसलिए मैंने कहा इतना ज़्यादा सारा मैंने ले जाके क्या करना है, फिर मैं आधा जो है वो वहीं पे रख आई हूँ कि चलो घर जाके वापस फिर काम आ जाएगा। तो बाकी जो है वो अभी मैं बना रही हूँ। यहाँ पर देखें इसको मैंने पहले हल्का सा फ्राई कर लिया है, एक साइड से ये फ्राई हो चुका है, अभी दूसरी साइड से फ्राई हो जाएगा। फिर मैंने बस इसको जो है ना वो एक गिलास पानी डाल के थोड़ा सा इसको पकने के लिए छोड़ दिया था कि अच्छी तरह चिकन सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैंने सबको सनब्लॉक लगाया था और बिलाल के बाबा कह रहे थे मेरे तो फेस पे नहीं मेरी गर्दन पे और बाजू और पाँव सब जगह पे लगाओ मैंने कहा आपको ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है कि आप काले ना हो जाओ, बीच पे जाके ना वैसे भी सनलाइट आपको बिल्कुल सामने पड़ती है आपके फेस पे बॉडी पे तो कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, तो सनब्लॉक लाजमी रखना चाहिए। अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा है ना बहुत ज़्यादा सारा तो आप चाहे अपनी पूरी बॉडी पे लगा लें, लेकिन मैंने इन लोगों को फेस पे लगाया था बस, इससे ज़्यादा मैंने नहीं दिया था। खैर अभी हमारा खाना रेडी हो चुका था, हमने पैक किया है सब कुछ और अभी हम लोग जो है ना वो घर से निकले हैं, घर से नहीं सॉरी रूम से निकले हैं। और ये देखें ये इन्होंने ना अपनी पसंद से लिया था ये वाला ड्रेस कि मैंने ये बीच पे जाके पहनना है, तो अभी ये बड़े खुश होकर खड़े हैं लेकिन नीचे चप्पल पहनी हुई है, अपने शूज़ ये घर पर ही भूल गए थे। खैर नीचे उतर के रिसेप्शन पर मैंने जाके अपने लिए जूस लिया था, इन्होंने कॉफ़ी पी थी लेकिन मैंने अपने लिए जूस लिया था क्योंकि ना मुझे खाना खाने के बाद चाय कॉफ़ी की ज़्यादा तलब नहीं होती, मेरा दिल करता है या गर्मियों में लस्सी होनी चाहिए या लीमू पानी, ये कुछ भी नहीं था इस तरह का, तो फिर मैंने ये जूस पी लिया। अभी मैं आपको ना बिलाल मुसना की बातें सुनाती हूँ। ये देखें रैबिट बना हुआ ऐसे, वेरी गुड, ये बिलाल ने लिया। वॉच की तरह, वॉच की तरह, वेरी गुड। मुन्ना ने क्या लिया था ये क्या है? ये फिश, फिश है। हाँ। फिश कहाँ रहती है? फिश पानी में। ओ सदके अभी जाना है पानी में। हाँ। ओए सदके बाबा लेके जाते हैं वो गोल ले लो, ये है। है। अभी लेके जाओ गेम में ना, नहीं ना मेरे से नहीं अब दिखाया जाता, अब बाय बाय कर दो बस, बाय बाय। खैर अभी हम लोग बीच पे आ गए हैं लेकिन आते हुए हमने हुप्स वगैरह पानी सब कुछ ले लिया था क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल नज़दीक से कुछ नहीं मिलेगा, कोई बकाला वगैरह शॉप कुछ भी नहीं है आसपास में, तो इसलिए ये चीज़ें हम जो है ना वो वहीं से लेके आए हैं जहाँ पे हमारा होटल है ना, साथ ही बकाला था शॉप थी तो हम वहाँ से लेके आए हैं। यहाँ पे मुसना डर रही है कि मम्मा ये पानी में बहू हैं, बहू नहीं थे ये ना वो था, जैसे थोड़ा बहुत कचरा नहीं होता इस तरह से, जैसे बारिश के पानी में थोड़ा सा होता है ना कचरा, तो वो समंदर में जब मिलता है तो वो फिर किनारों पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो वो देख के मुसना डर रही थी। लेकिन बाकी सारा पानी जो है ना बहुत साफ़ सुथरा और थोड़ा ठंडा ठंडा पानी था, बाहर थोड़ी गर्मी भी थी लेकिन पानी इतना मज़े का था, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। और जहाँ भी आप जाएँ ना बीच पे जैसे ही आप पहुँचते हैं समंदर के बिल्कुल पास, तो इतनी नमी होती है कि हवा भी आपको ठंडी लग रही होती है और धूप आपको बिल्कुल महसूस नहीं होती। खैर यहाँ पर हम सब ने बहुत इंजॉय किया था, मैंने ना एक दफ़ा तो अपना मोबाइल साइड पर रख दिया था
कि मैं अच्छी तरह से पहले मज़े से इंजॉय करूँ, नहाऊँगी यहाँ पे और बच्चों के साथ हम खेलेंगे, उसके बाद फिर मैं जो है ना वो व्लॉग वगैरह शूट कर लूँगी। अभी हम लोग नहा के बाहर बैठ गए थे, मैं और बिलाल के बाबा, बच्चे अभी भी खेल रहे थे और इसके बाद ना काफ़ी रश भी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे क्योंकि हम लोग जो है ना वो दोपहर के टाइम आए थे और यहाँ असर के टाइम से रश होना शुरू हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे और उस टाइम हम जो है वो बाहर बैठ गए थे और बच्चे अभी भी खेल रहे हैं यहाँ पे। अभी ये देखें बिलाल ना मुसना की ट्यूब लेके खेल रहा है, क्योंकि बिलाल ने जो रात अपनी ट्यूब ली थी ना वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, उसमें से सारी हवा निकल गई है, जैसे लीक हो जाती है ना इस तरह से। तो अभी मुसना की ट्यूब लेके बिलाल खेल रहा था, बारी बारी इन लोगों ने शेयर करके खेला था। और आपको पता है मैं सोप शैम्पू वगैरह घर से लेके आई थी, पहले मैंने बच्चों को शॉवर दिया है। अभी बिलाल के बाबा यहाँ पर जा रहे हैं, ये देखें सामने टैब लगी हुई हैं, शॉवर लगे हुए हैं, समंदर से बाहर निकल के आप यहाँ पे आराम से नहा सकते हैं, बिल्कुल साफ़ पानी होता है। तो यहाँ पे अभी बिलाल के बाबा शॉवर ले रहे थे और यहाँ देखें इतनी खूबसूरत शिप जा रही है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं, इसमें बैठ के पूरा विज़िट करते हैं, घूमते फिरते हैं। बच्चों को काफ़ी सर्दी लग रही थी तो मैंने मैट बिछा के इनको पिलो दे के लिटा दिया और थोड़ा सा नीम गर्म दूध पिलाया ताकि इनको जो सर्दी लग रही है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाया था, खाना वही था जो मैं घर से बना के लाई थी और जो पराठे आए थे ना सुबह नाश्ते में वो बच गए थे, वो भी मैंने साथ रख लिए, खूब्स ले लिए थे और दही लेना हम भूल गए, इसीलिए हम ग्रीन चटनी जो है ना वो ऐसे ही सिंपली साथ खा रहे हैं। और आपको पता है माशाल्लाह 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 बिलाल को इतना पसंद आया खाना, इतनी उसने तारीफ़ें की हैं ना कि शायद ज़िंदगी में कभी उसने इतनी मेरी तारीफ़ की हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। और जब आपके छोटे छोटे बच्चे तारीफ़ कर रहे हो ना तो आपकी खुशी का लेवल ही कोई और होता है। खैर उसके बाद मैं बिलाल के बाबा के लिए कॉफ़ी लेने आई थी, यहाँ ना थोड़ा सा राउंड लेके जब हम आगे की तरफ जाएँ ना तो यहाँ पे एक शॉप है, साथ मस्जिद भी है, वॉशरूम्स भी हैं, तो वहाँ पे मैंने जाके बिलाल के बाबा के लिए कॉफ़ी ली थी, अपने लिए मैंने पेप्सी ली थी और पानी वगैरह ले लिया था। तो अभी ना मैं खुद गाड़ी चला के आई थी, बिलाल के बाबा की गाड़ी जो है ना वो मैंने चलाई थी, वो उधर ही बैठे हुए थे तो फिर मैं इनके लिए लेके गई थी। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंसान डरता है ना वही मरता है डरना नहीं चाहिए। मैं कहीं भी चली जाऊँ कुछ भी हो, अचानक से भी मुझे ये कह देना कि चलो आप आओ गाड़ी चलाओ, ये ना मुझे इन्होंने जैसे सिखाया है माशाल्लाह, मैं ना इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इन्होंने मुझे सिखाने के साथ साथ मेरा डर भी उतारा है। कहीं भी किसी भी रोड पर भी ये मुझे कह देते हैं कि चलो आओ गाड़ी चलाओ तो मैं पज़ल नहीं होती, कंफ्यूज नहीं होती, मैं चला लेती हूँ। उसके बाद हम लोग जुबेल पार्क आए थे, जैसे हमारे कराची में अलादीन पार्क है ना, सेम इसी तरह जैसे हमारे पंजाब में कोई मेला वगैरह लगता है तो इस तरह के सारे झूले वहाँ पे नज़र आते हैं। तो यहाँ आके मैं बहुत खुश हुई थी और सबसे पहले तो ना हमारे बच्चे इन स्लाइड के पास चले गए, वो कह रहे थे कि हमने ये स्लाइड लेनी है। बिलाल को तो माशाल्लाह कोई डर नहीं है, वो तो बड़ी अच्छी तरह स्लाइड लेता है, इंजॉय करता है, लेकिन मुसना के लिए ये फ़र्स्ट टाइम था और मुसना बस बाहर ही खड़ी मुंह देख रही थी और मुझे ये देख के ना बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरी बेटी स्लाइड लेने से डर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दफ़ा मुसना का डर उतार देती हूँ, एक दफ़ा मैं इसको स्लाइड ले कर दिखाती हूँ अपनी गोद में बिठा के, तो उसके बाद ये ना फिर आराम से स्लाइड ले लेगी। खैर मैंने मुसना के साथ एक दो स्लाइड ली हैं ताकि इसका डर उतरे, लेकिन ये तो पक्की हो गई, ये कह रही थी नहीं अब बस मम्मा ही मुझे ऐसे गोद में बिठाए और स्लाइड ले और मैं खुश होंगी। इस तरह ना मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा खिलाया। वैसे भी ना जो चीज़ भी है माँ बाप ही बच्चों का डर उतारते हैं, जैसे कुछ भी हमें करना नहीं आता तो वो हमें माँ बाप सिखाते हैं तो हमें करना आ जाता है, हम सीख जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मुसना को स्लाइड लेना सिखा दूँ वहाँ पे मेरे अपने सर में चोट लग गई, बिलाल आके धड़म से मेरे ऊपर गिरा था। खैर उसके बाद ना हम अभी ये डोली वगैरह की टिकट लेके आई हैं, ये बहुत बड़ी सी डोली है, इसमें अभी हम बैठने जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए। ये देखें इतनी बड़ी है ना, ऊपर से पूरा सिटी नज़र आएगा। खैर जब हम यहाँ से झूले लेके निकले हैं ना तो हमें इतनी हंसी आई क्योंकि हमारे अलावा कोई भी नहीं था डोली में, बस हम अकेले थे और हमारे लिए ये डोली इन्होंने चलाई थी। खैर यहाँ पे ना ईद के तीन दिन बहुत रश रहा है तो हम लोग चौथे दिन आए थे, आज के दिन इतना रश नहीं था।
तो हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वैसे भी इतने ज़्यादा क्राउड में बच्चों का ही बहुत डर लगा रहता है कि यही कहीं घूमना हो जाए, जैसे मुसना ईद वाले दिन हो गई थी। तो अभी मुसना ये वाला झूला भी कह रही थी कि मुझे ये भी लेना है, तो फिर हमने मुसना को ये वाला झूला दिलवाया। बिलाल ने फिर वो जो होती है ना वाटर बोट होती है, जो पैडल बोट, वो वाली बोट चलाई थी, पानी में जो चलाते हैं, ये सामने आप देख रहे हैं। तो इसके बाद हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे, जैसे कॉर्न और फ्राइज़ वगैरह, पॉपकॉर्न लिए थे मुसना ने। तो बस इसके बाद हम लोग फिर रूम पे आ गए थे। और आप लोग मुझे कह रहे थे ना कि आपकी पिछली वीडियो में आपकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत, क्योंकि मैंने यकीन करें वो आधी नींद में थी जब मैंने उसकी वीडियो की वॉइस ओवर की है, वीडियो को मैंने फिर अपलोड किया है, तो मुझे ना उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा करना भूल गया। आपको पता है मैंने उसका टाइटल भी नहीं लगाया था, वो भी बाद में याद आया। खैर अभी मैं आंखें खोल के आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी, और उसके लिए माजरत जो लास्ट वीडियो में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, आवाज़ नहीं मेरी पूरी आ रही थी आपको। तो अभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।